शनिवार को दिन भर जहां शहर में रैप सिंगर हनी सिंह के नागपुर में होने का दावा किया जा रहा था, वहीं रविवार को अंततः दोपहर करीब 1 बजे हनी सिंह कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंची। इस दौरान कई घंटों तक उनका वॉइस सैंपल पुलिस द्वारा लिया गया। अपने गानों और अपने रैप की वजह से एक वक्त सुर्खियों में रहने वाले रैपर हनी सिंह की बीते एक लंबे अरसे से मुसीबतें खत्म होने का नाम ले रही थी। इसी बीच अश्लील गानों को यूट्यूब पर अपलोड करने के एक मामले में रैप गायक हनी सिंह को पाचपावली पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश सत्र न्यायालय ने दिया था। उन्हें 11 फरवरी तक हाजिरी लगानी थी, लेकिन वे शुक्रवार तक नागपुर नहीं पहुंचे। चर्चा के मुताबिक दिन भर पुलिस हनी सिंह का इंतजार करती रही। रात में करीब 8 बजे वकीलों की टीम पुलिस स्टेशन पहुंची। कुछ वकील बाहर खड़े रहे तो कुछ अंदर डटे रहे। वे पुलिस की आरंभिक प्रक्रिया पूरी करते दिखाई दिए। इसी बीच हनी सिंह के नागपुर में होने का दावा किया जाता रहा। जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचने की संभावना भी जताते रहे। पुलिस का भी स्टेशन परिसर में तगड़ा बंदोबस्त रहा, किंतु रात 12 बजे तक हनी सिंह का कोई अता पता नहीं लगा। वे देर रात तक पुलिस थाने में नहीं पहुंच पाए थे। परेशान पुलिस इंतजार करती रही। सूत्रों द्वारा दावा किया जा रहा था कि अगर वह रात में पुलिस स्टेशन में हाजिरी नहीं लगाते हैं तो उनके नाम से वारंट जारी हो सकता था, जिसके पश्चात रविवार को अंततः वो कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे के दरमियान हनी सिंह नागपुर पहुंचे, जिसके पश्चात कई घंटों तक उनके वॉइस सैंपल लिए गए। पुलिस द्वारा की जा रही इस जांच में अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।